नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया मेहरोत्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जहां हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं LG सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, और ये 7.5 kg कैपेसिटी का है और एक बेस्ट बजट 7.5 kg वॉशिंग मशीन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इस कार्टन पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, इस कार्टन को कैरी कैसे करना है आप यहाँ देख सकते हैं। इसके कुछ डिटेल्स, इसका मॉडल है P8541R3SA और प्रोडक्ट इज वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक 7.5 kg कैपेसिटी का, और ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है 19th अप्रैल 2018 को। इसकी MRP है 14,890 rupees। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट और टोटल इनपुट वोल्टेज मोटर का दिखा रहा है ड्यूरिंग वॉश, ये 410 वाट लेगा। स्पिन के टाइम पे ये 260 वाट लेगा और इसका कलर है बरगंडी। इसके एक्सेसरीज में दिखाया गया है कि ये इनलेट होज, ड्रेन होज, स्नैप रिंग और कुछ अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आज मेरी मदद मिस्टर रंजन करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कलर कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा दिया गया है, बरगंडी और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। चलिए दोस्तों अब इसके फीचर्स को समझते हैं और देखते हैं इसके डिटेल्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है, इंडियाज फर्स्ट रैट अवे वॉशिंग मशीन। ये इस वॉशिंग मशीन का टॉप है। तो आइए दोस्तों इसकी सारी डिटेल्स मैं वन बाय वन प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ इस वॉशिंग मशीन में दो सेक्शन हैं, ये एक फर्स्ट सेक्शन इज दिस एंड अदर सेक्शन इज दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वॉश करने का सेक्शन, 7.5 kg की कैपेसिटी के कपड़े आप यहाँ पर डाल सकते हैं धुलने के लिए, और जब धुल जाए, चूँकि ये एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो कपड़े को धुलने के बाद हमें मैनुअली उस कपड़े को इस ड्रायर में डालकर सुखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रायर का सेक्शन। ये एक ड्रायर है, इस कपड़े को निकाल कर यहाँ पे डालकर उसे सुखाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं, मैं इसे बाद में कवर करूंगा। इंस्टॉलेशन गाइड, चेकिंग बिफोर वॉशिंग, केयर एंड मेंटेनेंस, यूजेस, कैसे यूज करना है। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसे जरूर पढ़ लें जब आप वॉशिंग मशीन यूज करना हो उससे पहले। आइए मैं अब इसकी फंक्शनलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल नॉब्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, सारे नॉब्स डिफरेंट पर्पस के लिए हैं। ये वाटर इनलेट है, जो आपका पाइप है वो यहाँ आके कनेक्ट होगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस मशीन को तो ये पानी यहाँ से जाएगा इस पाइप के थ्रू। और ये वाटर सिलेक्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक वॉश का और एक स्पिन का। इट मीन्स जब आप इधर रखिएगा तो ये कपड़े, ये पहला वाला नॉब जो है ये नॉब, ये सोक प्लस वॉश टाइमर के लिए। इट मीन्स ये कपड़े को सोक करेगा, कपड़े को आप फुला सकते हैं और ये टाइमिंग आप इससे सेट कर सकते हैं। ये मिनट के अनुसार ये नॉब्स बनाया गया है, जैसे आप ये अभी कीजिएगा ये 5 मिनट्स के लिए चलेगा, ये 10 मिनट्स के लिए चलेगा, 15 मिनट्स एंड अबव के लिए आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जाके 40 मिनट्स तक मैक्सिमम आप इसको चला सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस वॉश टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने कम कपड़े हो उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये सेकंड वाला नॉब जो है वो बेसिकली वॉश सिलेक्टर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कपड़े बहुत ही कम गंदे होते हैं और कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, और कुछ कपड़े को बहुत ही ध्यान से धोना पड़ता है, इसीलिए हमारे पास नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एंड जेंटल सिलेक्टर है। ये नॉर्मल कपड़े के लिए आप इसको यहाँ पे मूव करके रखें जैसे अभी है। स्ट्रांग अगर कुछ जीन्स वगैरह या चादर वगैरह है तो आप इसको स्ट्रांग पे डाल के रखें।
ये जेंटल कपड़े के लिए है, कुछ अगर सिल्क के कपड़े हो या कुछ इस तरह के कपड़े हो जो बहुत ही ध्यान से धोने हैं तो आप इस जेंटल सिलेक्टर पे डाल सकते हैं। ये थर्ड नॉब जो है वो ड्रेन सिलेक्शन के लिए है, जब आपके कपड़े धुल जाएं इस वॉशिंग मशीन में तो आपको गंदे पानी को निकालने के लिए इस ड्रेन को यूज़ करना पड़ेगा और इस नॉब को इस साइड में मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मूव कर लें और फिर जब ख़त्म हो जाए ड्रेन, जब पानी सारा खत्म निकल जाए तो आप ये गेन फिर इसे वॉश रिंस पे ले जाएं। ये चौथा ऑप्शन जो है, जो फोर्थ नॉब जो है यहाँ पे, वो बेसिकली आपके स्पिन टाइमर के लिए है, जो आपका ये कपड़ा सूखेगा वो स्पिनर जब आपका रन करेगा ड्रायर तो आप उसको कितने टाइम के लिए आपको ड्राई करना है, ये 2 मिनट, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स के लिए है। जैसे जैसे ये मिनट्स ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे ये खुद अपने आप ही ये नॉब मूव होते चला जाएगा। ये बेसिकली आपके स्पिनर के लिए है, ये सोक प्लस वॉश टाइमिंग के लिए, वॉश सिलेक्टर और ये ड्रेनर है। तो ये चार ऑप्शंस जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज़ करना है। इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्लिप दी गई है, दो पाइप मिले हैं, एक सर्फ, ये यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड एंड ये सेफ्टी कवर है। ये सेफ्टी कवर जब ड्रायर चलेगा तो उसे आपको यहाँ डालकर यूज़ करना है। इसको आप यहाँ पर लगा लें, इसको क्लोज कर लें और ड्रायर को चला दें, इस पर्पज़ के लिए है। ये यूज़र मैनुअल है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और ये वारंटी कार्ड है, 2 ईयर्स की वारंटी है इस वॉशिंग मशीन पे। ये सर्फ और ये दो पाइप हैं, एक ये पतली वाली पाइप का एक एंड इस वाटर इनलेट में लगेगा और दूसरा आपके टैप में लगेगा, यानी कि नल में लगेगा। और ये ड्रेनेज के लिए है, जब आप ड्रेन करते हैं तो इस पाइप को आपको यूज़ करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये फिक्स कैसे होगा। ये बैक साइड ऑफ द वॉशिंग मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे ये ड्रेनेज के लिए पाइप है। आइए मैं आपको पाइप को फिक्स करके दिखाता हूँ। इस पाइप को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद जो क्लिप दी गई है उसे लॉक करना है। ये क्लिप है जो कि यहाँ पे फिक्स होगा और अच्छी तरह से टाइट कर देगा इस पाइप को इस वॉशिंग मशीन के साथ। ये इनसाइड व्यू है इस वॉशिंग मशीन का, जहाँ पे कपड़े वॉश होते हैं। ये बेसिकली आपका जो नेट है वो क्लॉथ नेट, वो इसमें जाके फंस जाएगा, वो इस कारण यहाँ दिया गया है। ये लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं और क्लॉथ नेट को यहाँ फंसा सकते हैं। तो सेकंड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटैचेबल यूनिट होती है और आप इसको पुश करेंगे अगर दोनों एंड से तो ये बाहर निकल जाएगा। ये बेसिकली जो आपका कपड़ा गंदा होता है तो आपको इसे रेगुलर इंटरवल पे इसे साफ करना पड़ेगा निकाल कर। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जो पानी लीकेज, अगर वाटर लीकेज होती है तो उसके बारे में बताया गया है। पानी रिसाव समस्या निवारण निर्देशिका, पानी के निरंतर बहने की समस्या बेसिकली कुछ लोग फेस करते हैं तो उसको कैसे फिक्स करना है या कैसे ठीक करना है वो बताया गया है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें बिफोर यूज़। The complete inside view of washing machine. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग एंड डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो की मदद से आप इस वॉशिंग मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके बाद भी, तो आप LG कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं और सर्विस इंजीनियर आपके साइन हो जाएंगे और आपके घर पे जाके डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।